जबलपुर के गोरखपुर कटंगा इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगता देख आसपास के लोग यहां वहां भागने लगे। आग लगने के बाद कार चालक ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि फोर्ड के एंडियावर कार रामपुर से गोरखपुर की ओर आ रही थी, तभी जॉनसन स्कूल के पास कार में आग लग गई। कार गुप्तेश्वर इलाके के विपिन जग्गी की बताई जा रही है। कार में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अभी शाम को 7:30 बजे फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में अचानक एक फोन आया जिसमें ये सूचना दी गई कि जॉनसन स्कूल के सामने एक कार में आग लग गई है। उसी क्षण के पश्चात पुलिस कंट्रोल रूम से भी ये सूचना आया दी गई कि एक कार में आग लग गई है और पुलिस कंट्रोल रूम को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया कि हमने गाड़ी भिजवा दी। हमारे यहाँ से कर्मचारी और गाड़ी मौके पर पहुंचे बंडरिया चौराहा से कटंगा रोड पर जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप के सामने पहले थोड़ा सा एक फोर्ड की एंडीवर गाड़ी जिसका नंबर था MP20CF8400 जिसमें कि आग लगी हुई थी। उस मौके पर पहुंचते ही हमारे फायर कर्मियों ने तुरंत अपना काम चालू कर दिया और उस गाड़ी को आग बुझाकर कंट्रोल किया। उसकी आग को आग गाड़ी के सामने वाले हिस्से में लगी हुई थी जो कि इंजन का हिस्सा होता है। गाड़ी का बोनट इंजन बैटरी और गाड़ी के अगले चक्के तक आग को गाड़ी के अगले चक्कों तक आग पहुंच चुकी थी जिसको वहाँ के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने बुझाया। गुप्तेश्वर वार्ड के अंतर्गत कोई विपिन जग्गी है जिनकी वो गाड़ी होना बताया गया, वो स्वयं मौके पर थे। उन्होंने बताया कि चलते चलते अचानक गाड़ी में आग जिसका कारण वो नहीं बता सके कि गाड़ी में आग कैसे लगी। संभवतः गाड़ी में आग या तो बैटरी के बहुत ज़्यादा हीट हो जाने से अथवा तारों के शॉर्ट सर्किट हो जाने से लगी होगी। जी जिनकी गाड़ी थी उनका नाम विपिन जग्गी उन्होंने बताया। गुप्तेश्वर वार्ड के अंतर्गत निवास करती हूँ। मैं संजय तिवारी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।